Hey guys, welcome back to my channel. So friends, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई आपके लिए पोर्टेबल रिचार्जेबल बैटरी जूसर ब्लेंडर। जी हाँ, इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है, मुझे काफी अच्छा लगा है, मैंने इसे काफी टाइम तक यूज किया है, इसलिए मैं इस चीज का रिव्यू कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसा हैंडी ब्लेंडर चाहिए तो बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप अमेजोन पे इसे चूज नहीं कर सकते कि कौन सा कलर आपको चाहिए। डायरेक्टली अमेजोन जब आपको भेजता है तो आपको तब जाके पता चलता है कि कौन सा कलर इसमें आपको मिला है। यहाँ पे मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इसमें मुझे कौन सा कलर मिला है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की फीचर्स भी पढ़ने मिल जाएंगे, जैसे कि ये बहुत ही स्मॉल इन साइज है, बहुत ही मल्टीपल आप इसे यूज कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूसेस बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो जूस होगा वो सिर्फ एक ग्लास या एक कप के हिसाब से होगा, मग के हिसाब से होगा। सो गाइस, ये जो जूसर ब्लेंडर है ना, ये रिचार्ज के हिसाब से चलता है, मतलब आपको इसे चार्ज करना पड़ता है, और जिसे आप फोन से भी चार्ज कर सकते हैं। इनकेस अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आपका फोन डिस्चार्ज हो गया है, तो ये अगर आपके पास ये जूसर ब्लेंडर है तो इसके थ्रू आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 है, इसमें आपको ये केबल मिल जाएगा, रिचार्ज केबल। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूसेस भी बना सकते हैं, जैसे कि आप टोमेटो जूस, एप्पल जूस, मौसम्बी, कैरेट जूस और मतलब पाइनएप्पल जूस। अब इसमें आपको छोटे छोटे पीसेस करके डालने पड़ेंगे, आप डायरेक्टली बड़े बड़े पीसेस नहीं कर सकते हैं, एकदम छोटे छोटे पीसेस आपको करके इसमें डाल के आपको इसे ब्लेंड करना है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जूसेस बनाती हूँ और काफ़ी अच्छा इसका यूज़ हो रहा है मेरे घर में। सो ये बहुत ही मतलब जो आपको इसे कम से कम 3 घंटे तक चार्ज करना है, ये आपका 10 से 12 बार मतलब चल जाएगा। सो गाइस, मैं मुझे है ना ये पिंक कलर में रिसीव हुआ है, बहुत ही अच्छा कलर लगा है, ये जो बेबी पिंक कलर है ना मुझे बहुत ही पसंद आया है। सो इसे मैं कम से कम आपको 2 बार इसे आपको स्विच दबाना पड़ेगा, तब जाके ये ऑन होता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा चार्जिंग के लिए भी दिया गया है और उसके नीचे यूएसबी केबल भी दिया गया है, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक हैंडी है, मतलब अगर आप जिम वगैरह भी जा रहे तो भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। सो आप जैसे देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये कितना छोटा सा है, वो बहुत ही छोटा है, आप मेरे हाथ के साइज़ के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि कितना छोटा सा है। सो इसके अंदर आपको डबल मिल जाएगा, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है ये, और ऊपर से आप इसके अंदर आपको 6 ब्लेड्स मिल जाएंगे, मतलब किसी किसी में 4 रहते हैं, किसी किसी में 6 रहते हैं, मैंने तो 6 वाले ब्लेड्स लिए ताकि बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो। तो इसमें जो है ना आपको एक छानने वाला भी मिल जाएगा, इनकेस अगर आप मौसम्बी का जूस बना रहे तो बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है मौसम्बी के जूस में, तो सिर्फ जूस निकलेगा और अंदर जितने भी कचरा है उसका मौसम्बी का छिलका विलका सब अंदर रह जाएगा, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे एप्पल जूस बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एप्पल को छील लिया है बहुत अच्छे से, उसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, और उसके बाद मैं इसे इसके अंदर डालूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं अच्छे से मतलब मिक्सर ऑन कर दूंगी। तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ब्लू लाइट दिख रहा है, वो वैसे ही आपको दिखेगा। और जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो ये चालू नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे उल्टा कर दिया, उल्टा करके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो देखा था इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें भी जो बंदे ने उल्टा कर दिया था जिससे उसका जो ग्राइंडर है वो चालू हो गया था। इनकेस अगर आपका भी ऐसे नहीं चालू होता है, मे बी बहुत ज़्यादा एप्पल हो गया था इसकी वजह से चालू नहीं हो रहा था। सो यहाँ पर मैंने इसे उल्टा करके चालू किया तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा था, कम से कम मैंने इसे 3 से 4 बार मतलब इसका जो ये ब्लेंडर यूज मतलब ऑन ऑफ किया है, तब जाके ये जूस मेरा बन गया था 1 ग्लास। सो गाइज, इसे आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको चालू करना पड़ेगा, और ये ऑटो है आपका, आराम से एक बार आपने चालू कर दिया ना तो 40 सेकेंड के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। तो ये जब मैंने एक बार चालू किया था, 40 सेकेंड के बाद अपने आप बंद हो जाता है, तो मैंने इसे कम से कम 3 बार इसे ऑन किया था, तब जाके ये 1 ग्लास जूस बना था। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। सो गाइस, जैसे आप जूसर ब्लेंडर को ऑन करेंगे ना तो आपको इसमें आवाज़ आएगी, जैसे कि हर नॉर्मल जूसर ब्लेंडर में आवाज़ आती है, मिक्सचर में भी आवाज़ आती है, तो इसमें भी आपको आवाज़ आएगी, ये साइलेंट मोड पे नहीं है। सो चलिए तो मैं आपको सुनाती हूँ कैसी आवाज़ आती है इसके अंदर। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मेरा जूस बन के तैयार हो गया है, और मैं इसे पोर कर ले रही हूँ 1 ग्लास में, तो आप जितना पानी डालेंगे उस हिसाब से उतना जूस बन के निकलेगा। तो यहाँ पे मैं कभी कभी अपनी बेबी को भी मतलब एप्पल जूस बना के देती हूँ, उसे अच्छे से स्टीम कर लेती हूँ, स्टीम करने के बाद इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो एक बेबी के लिए भी, अगर आप न्यू बॉर्न बेबी है, आपका 6 मंथ का बेबी है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एप्पल जूस वगैरह कुछ भी, तो इसके अंदर आप बना सकते हैं। इसके अंदर आप बहुत ही वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जूसेस बना सकते हैं, इसमें अंदर आप कॉफ़ी भी बना सकते हैं। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सो अगर आप चाहते तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद परचेस किया है।
सो गाइस ये जूसर ब्लेंडर है, आप इसे मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूसेस बना सकते हैं, आप इसमें कोल्ड कॉफी भी बना सकते हैं। सबसे मेन बात ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही हैंडी, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सो गाइस ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैं इस चीज़ का रिव्यू किया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, रिव्यू अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।